हेलो एवरीवन, दिस इज मनोज इंग्लिश कोच। वेलकम टू लव इंग्लिश। और आज के लेसन में हम 20 इंग्लिश वर्ब्स को सेंटेंस के साथ डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फॉरगेट मतलब भूलना। सेंटेंस: आई फॉरगॉट योर नेम। मैं तुम्हारा नाम भूल गया। प्लीज डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग मनी। कृपया पैसे लाना ना भूलें। डिसाइड मतलब निर्णय करना। सेंटेंस: लेट मी डिसाइड। मुझे फैसला करने दो। आई एम डिसाइडिंग। मैं फैसला कर रहा हूं। एंटर मतलब प्रवेश करना। सेंटेंस: मॉम एंटर्स द रूम। माँ कमरे में प्रवेश करती है। एवरीवन प्लीज एंटर द हॉल। हर कोई कृपया हॉल में प्रवेश करें। एंजॉय मतलब आनंद लेना। सेंटेंस: राजा इज एंजॉयिंग द पार्टी। राजा पार्टी का आनंद ले रहा है। आर यू एंजॉयिंग द लेसन? क्या आप पाठ का आनंद ले रहे हैं? फ्लो मतलब बहना। सेंटेंस: वॉटर इज फ्लोइंग एवरीवेयर। हर जगह पानी बह रहा है। द क्राउड फ्लोड आउट ऑफ द स्टेडियम। स्टेडियम के बाहर भीड़ उमड़ पड़ी। लीड मतलब संचालन करना। सेंटेंस: वी लेड हिम टू आर चीफ। हम उसे अपने प्रमुख के पास ले गए। दिस डोर लीड्स टू द बेसमेंट। ये दरवाजा तहखाने की ओर जाता है। प्रोवाइड मतलब प्रदान करना। सेंटेंस: वी प्रोवाइडेड द रूम विद एन इलेक्ट्रिक हीटर। हमने एक विद्युत हीटर के साथ कमरा प्रदान किया। द होस्ट प्रोवाइडेड लंच फॉर ऑल द गेस्ट्स। मेजबान ने सभी मेहमानों के लिए दोपहर का भोजन प्रदान किया। कंबाइन मतलब जोड़ना। सेंटेंस: वी नीड टू कंबाइन आवर रिसोर्सेज। हमें अपने संसाधनों को संयोजित करने की आवश्यकता है। आई एम कंबाइनिंग दीज टू कलर्स। मैं इन दोनों रंगों को मिला रहा हूं। लीव मतलब छोड़ना या निकलना। सेंटेंस: द शिप लीव्स एट मिडनाइट। जहाज आधी रात को निकलता है। प्लीज लीव द रूम। कृपया कमरे से बाहर निकले। लिसन मतलब सुनना। सेंटेंस: प्लीज लिसन टू मी। कृपया मेरी बात सुने। डोंट लिसन टू हिम। उसकी बात मत सुनो। लाइटनिंग मतलब हल्का करना या चमकाना। सेंटेंस: She lightened the load on the tired donkey. उसने थके हुए गधे पर भार हल्का किया। The paint will lighten the room. पेंट कमरे को चमका देगा। Lose मतलब खोना। Sentence: I lost my eyeglasses. मैंने अपना चश्मा खो दिया। You lost the opportunity. आपने अवसर खो दिया। मेक मतलब बनाना। सेंटेंस: वी मेक एन एफर्ट। हम एक प्रयास करते हैं। शी मेड अ ड्रॉइंग। उसने एक ड्रॉइंग बनाई। मिस यानी कि कमी का अनुभव करना या फिर खोना। सेंटेंस: आई एम मिसिंग माय फैमिली। मुझे अपना परिवार याद आ रहा है। डोंट मिस दिस चांस। ये मौका ना चूके। ऑपरेट मतलब संचालित करना। सेंटेंस: दिस ओल्ड रेडियो डज नॉट ऑपरेट एनी मोर। ये पुराना रेडियो अब संचालित नहीं होता है। द डॉक्टर्स ऑपरेटेड ऑन द पेशेंट बट फेल्ड टू सेव हिज लाइफ। डॉक्टरों ने मरीज का ऑपरेशन किया लेकिन उसकी जान बचाने में नाकाम रहे। पॉज मतलब ठहराव। सेंटेंस:
The speaker paused in the middle of the speech. Speaker भाषण के बीच में रुका. We pause for station identification. हम स्टेशन की पहचान के लिए रुकते हैं. Free यानी कि स्वतंत्र या मुफ्त. Sentence. It's a free country. यह एक स्वतंत्र देश है. I have an hour free. मेरे पास एक घंटा फ्री है. Pray मतलब प्रार्थना करना. Sentence. I pray you to stop. मैं तुम्हें रोकने के लिए प्रार्थना करता हूँ. You pray to the Lord. आप प्रभु से प्रार्थना करें. Prove यानी कि साबित करना. Sentence. She proved to be right. वे सही साबित हुई. You don't have to prove anything to anyone. आपको किसी को कुछ भी साबित नहीं करना है. Prevent मतलब रोकना. Sentence. We must prevent the cancer from spreading. हमें कैंसर को फैलने से रोकना चाहिए. I prevented him to do bad things. मैंने उसे बुरे काम करने से रोका. आज के लेसन बस इतना ही. अगर आपको लेसन पसंद आया तो प्लीज को लाइक करिए, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करिए इंटरेस्टिंग लेसन के लिए. अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश.